नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ओमान से रिलेटेड बात, तीन चार टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपना ये रहेगा कि भाई ओमान ने, आपको पता है, 10 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा की स्टार्ट कर दी है। ऑन अराइवल वीजा या बिल्कुल वीजा फ्री 103 कंट्रियों को उन्होंने छूट दी है, लेकिन इसमें क्या इंडिया का नाम है। आगे हम बात करेंगे भाई ओमान ने छूट दी थी, आपको पता ही होगा, जिसको 31 दिसंबर तक किया था, उसके बाद में 45,000 लोगों ने वहां से रजिस्ट्रेशन करवाया था। सब बातों का हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। बहुत सारे लोगों के साथ जो कमेंट आ रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने बताया कि भाई बहुत सारे लोगों के वहां पे वीजा एक्सपायर हो गए थे कोरोना की वजह से। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने वर्क परमिट वीजा इश्यू नहीं किए, रिन्यू नहीं किए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे, कंपनियां छोड़ चुके थे, लेकिन वहां पे आने के लिए सरकार ने माफी नहीं दी थी। जी हाँ, जैसे यूएई सरकार ने दी थी कि भाई इलीगल वर्कर हैं वो अपने घर जा सकते हैं, इतने टाइम तक आपका जुर्माना नहीं लिया जाएगा, उस तरह से यूएई सरकार, ओमानी सरकार ने नहीं दी थी। लेकिन ये अच्छी न्यूज है कि दिसंबर 31 लास्ट दी थी। 31 दिसंबर तक 45,000 लोगों ने वेबसाइट, एक वेबसाइट सरकार ने जारी की थी, उस पर 45,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। बाकी जो कुछ ऐसे लोग थे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, वो दूसरे तरीके से किसी के माध्यम से करवाए। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है कि भी ओमान ने लास्ट एंड वक्त तक, नई साल के एंड, पुराने साल के एंड में, नई साल से पहले आप लोगों को छूट दी कि भाई बिना जुर्माना दिए आप अपनी कंट्री लौट सकते हैं। बात करेंगे 103 कंट्रियों को ओमान ने छूट दिया है कि भाई वो वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री आ सकते हैं इंडिया के लिए। तो उनमें से बता दूं, 27 देश ऐसे हैं जिनको बिल्कुल वीजा का पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, क्या इसमें पाकिस्तान का नाम है, क्या इसमें इंडिया का नाम है? तो आप लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, पाकिस्तान को इसमें एंट्री नहीं दी गई है, इंडिया को एंट्री दी गई है। इंडिया का कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति 10 दिन के लिए ओमान में जाके रह सकता है। अगर वो आगे रहता है 10 दिन के बाद में, तो उसका पर डे 10 ओमानी रियाल पर डे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ जाएगा। तो अच्छी न्यूज है भाई, 10 दिन के लिए कोई भी जाना चाहे तो बिल्कुल बिना वीजा लिए टिकट लेके सीधा जा सकता है। तो लिस्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले भारत है, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, तजिकिस्तान, कोस्टा रिका, किर्गिस्तान, निकारगुआ, आर्मेनिया, पनामा, बोस्निया और हर्जोगोविना, तुर्कमेनिस्तान, होडुरास, गोटेमाला, कजाकिस्तान, लाओस, अल्बानिया, भूटान, पेरू, सलवाडोर, मेक्सिको, वियतनाम, क्यूबा, मालदीव के नागरिक ओमान में प्रवेश कर सकते हैं। और लेकिन इन लोगों को सिर्फ 10 दिन तक रहने की छुट्टी रहेगी, 10 दिन तक रह सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगेगा 10 डेज ओमानी रियाल पर डे। जैसे भी भाई आपको पता होगा, तो ओमान ने सबसे पहले फ्लाइटें चालू कर दी थी। जी हाँ साथियों, जैसे कुवैत से, सऊदी से पहले फ्लाइटें चालू हो गई थी, कतर से भी पहले फ्लाइटें चालू हो चुकी थी, और ओमान ने तो आपको पता ही होगा भाई वीजा भी स्टार्ट कर दिए थे, वर्क परमिट अभी एंट्री, लेकिन जो फ्लाइटें लेके जा रहे हैं ओमान में, लेकिन उनको एंट्री उन्हीं को है जो लोग वर्क परमिट वीजा है उनके पास, या फिर विजिट वीजा जा रहे, जिनके वीजा एक्सपायर हो गए वो नहीं जा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपडेट आपको लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।